एसडीएम कार्यालय के सामने पिछले 10 दिनों से संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दे रहे किसानों ने अपनी भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया है। विधायक सुखविंदर मांडी के आश्वासन पर किसानों ने भूख हड़ताल को स्थगित करते हुए मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू होने तक सांकेतिक धरना जारी रखने की बात कही। इस पर विधायक सुखविंदर मांडी ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से किसान हितेशी और किसानों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि हर खेत की विशेष गिरदावरी और क्षतिग्रस्त फसलों का किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए। अभी हालिया ओलावृष्टि से या खराब मौसम के कारण या अन्य किसी कारण से हमारे कपास की और अन्य फसलें जिसका भी नुकसान हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये घोषणा कर चुके हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक खेत की हम गिरदावरी करवाने का काम करेंगे। हमारे इस क्षेत्र में भी अगर किसी प्रकार की ये समस्या थी अब तक, तो उसको दुरुस्त करके आज अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि जिस भी पंचायत के अंदर अब तक गिरदावरी की समस्या रही है या गिरदावरी नहीं हो पाई, तो उसमें भी गिरदावरी करवाने के आदेश दे दिए। पटवारी सब लोगों को साथ लेके मुनादी करवा के उस गांव की गिरदावरी भी करवाई जाएगी। धरना जब तक हमारी बाजरे की एक दाने की खरीद सरकार ना कर लेती, 5 आदमी सांकेतिक रूप से भरे धरने पर रहेंगे। अगर सरकार इसमें आनाकानी करती है तो फिर दोबारा से हमने सुचारू रूप से धरना शुरू कर देंगे। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।